scared of cockroaches or you hate cockroaches? If yes, then watch this video. Hey friends, welcome back to my channel Pratima's Life and Living और मैं हूँ प्रतिमा. हाँ जी फ्रेंड्स, अगर आपको कॉकरोचेस से डर लगता है या आपको कॉकरोचेस से घिन आती है या आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कॉकरोचेस ना हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए. मैं आपको एक छोटे से उपाय के जरिए बताऊंगी कि कैसे आप कॉकरोचेस को भगा सकते हैं अपने घर से. जी हाँ, ये बहुत ही आसान तरीका है और इसको बस आप चंद मिनटों में कर लीजिए और देखिए आपके घर में बिल्कुल भी कॉकरोचेस नहीं होंगे. फ्रेंड्स, आपको तीन ही चीज़ चाहिए रहेंगी. सबसे पहले बोरिक एसिड यानी कि बोरिक पाउडर. ये पाउडर हम कैरम बोर्ड खेलने के टाइम पे भी डालते हैं, आपने ध्यान दिया होगा. और ये कोई भी केमिस्ट की शॉप यानी कि मेडिकल शॉप पे इजीली अवेलेबल रहता है, तो आप वहाँ से ला सकते हैं. मैंने छोटा पैक लिया है क्योंकि मैं इसको 2 महीने से ज़्यादा चला लेती हूँ. अप्रॉक्सीमेट मेरा ये 4 महीने चल जाता है, तो मैं हमेशा ही इसको यूज़ करती रहती हूँ, तो उसको ख़रीद लेती हूँ. ये बहुत महंगा भी नहीं होता. तो इसमें हम 2 स्पून लेंगे बोरिक पाउडर के और ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता. आप आराम से इसमें हाथ लगा सकते हैं, चाहे तो आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं. तो मैंने 2 स्पून बोरिक पाउडर ले लिया है. इसमें अब मैं डालूंगी रिफाइंड व्हीट फ्लोर यानी कि मैदा. मैदा हमें 1 ही चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है. अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बना रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जो रेशो आप मैंने अभी आपको थोड़े में बताया है उसी का आप डबल कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है. अब लेंगे हम शुगर. ज़्यादा शुगर नहीं लेना है, केवल 1/2 स्पून लेना है हमें. और ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गठाने नहीं रहें. फ्रेंड्स, बोरिक एसिड को हम नेचुरल पेस्ट कंट्रोल की तरह यूज़ करते हैं और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है. ये इंसेक्ट्स जितने भी हमारे घर में होते हैं ना, उसको अट्रैक्ट करता है. तो अगर आप इस पेस्ट को बनाकर घर में लगाएंगे तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपके घर से कॉकरोचेस बहुत जल्दी भाग जाएंगे. और ये जो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ये आप थोड़ा ही डालिए क्योंकि ये जो वाटर को अच्छे से सोक नहीं करता है, थोड़ा स्टिकी स्टिकी रहता है. जितना मैदा सोक करेगा बस उतना ही सोक करेगा. तो इसको हमें थोड़ा स्टिकी फॉर्म में ही रखना है ताकि जहाँ पर भी हम इसे चिपकाएं ये इजीली वहाँ पर चिपक जाए. बस फ्रेंड्स, इस पेस्ट को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कॉकरोचेस हो सकते हैं वहाँ वहाँ आप इसको चिपका दीजिए. और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है, बिलीव मी. और मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ, मैं कोई भी स्प्रे बॉटल बाज़ार से नहीं ख़रीदती हूँ. तो बस इसी तरीके से आप पूरे घर में इसे लगा लीजिए. और हाँ फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये हार्ड हो जाए तब भी आप इसको लगे रहने दीजिए क्योंकि ये तब भी बहुत असरदार रहती है. इसे आप 2 से 3 महीने तक लगे रहने दीजिए और उसके बाद आप चाहें तो एक नया बनाकर फिर से आप इसे पेस्ट लगा सकते हैं. तो हार्ड होने के बाद इसे बिल्कुल भी निकालिए मत, इसे लगे रहने देना है आपको. सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप सारे जो बॉल्स हैं वो सारी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर आपको लगता है कि कॉकरोचेस हो सकते हैं. मैंने एक आइडिया आपको दिया है कि किस तरीके से आप उस बॉल्स को चिपका सकते हैं. और ये थोड़े टाइम के बाद थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं, तो इसको आप थोड़ा गीला गीला ही चिपकाएं और 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए एक बार आप बनाकर चिपका दें और जब आप नेक्स्ट टाइम फिर से इसको चिपकाएं तो पुरानी वाली निकाल दें. दैट्स इट. Thank you so much for watching, friends. Meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care.